हरिओम तस्सत। हमारा शरीर जो है वो अच्छा ही है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, मेरा शरीर बीमार है। हम शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं, लेकिन जब आप सोचो कि मैं स्वस्थ हूँ तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। कई लोगों को कई तकलीफ होती है तो हम पूछते हैं कि आपका डायबिटीज़ कैसा है, आपका बीपी कैसा है, आपका बुखार कैसा है, आपका अभी डायबिटीज़ तो इतना नहीं आया है ना ज़्यादा समथिंग। वो दर्द के बारे में ही हम सोचते रहते हैं और दर्द के बारे में ही पूछते हैं। वो दर्दी अपने दर्द को भूलना चाहता है, फिर भी हम उसके बारे में पूछते रहते हैं, तो वो क्या होता है, वो बीमार ही रहता है, बीमार से वो छूटता नहीं है। तो मुझे क्या सोचना है, दर्द के बारे में नहीं सोचना है, डॉक्टर के बारे में नहीं सोचना है, या वैद्य के बारे में या औषधि के बारे में नहीं सोचना है। मुझे क्या सोचना है, मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं जैसा सोचता हूँ वैसे बन जाता है। आपको पता है बहुत जगह ऐसा पुराना एक अमेरिका में कहा जाता है, मैंने पढ़ा है सुना है ऐसा, कि ऐसा व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ गया होगा, आपने सुना होगा देखा होगा, कि एक भाई को अमेरिका में उसको फांसी की सजा हुई थी, तो सब वैज्ञानिकों ने सोचा उसके ऊपर एक प्रयोग किया जाए। तो उसने क्या किया कि भाई देखो एक कोबरा है, एक कोबरा स्नेक आपको डसवाएंगे और आपको पर शरीर पर इफेक्ट देखेंगे क्या होगा, अगर आप बच जाते तो आपको छोड़ दिया जाएगा। बोला ठीक है, तो उसके आंखों पर पट्टी बांध दी और उसको दो पिन लिया और दो पिन उसको उंगली में लगाए चुभाई। कोबरा को डसाया नहीं था, सिर्फ दो पिन लेकर उसको यहाँ उंगली में पिन लगाई। धीरे धीरे वो आदमी जैसे किसी ने सांप ने काटा है ऐसा ही इफेक्ट हुआ और तड़फड़ करे वो मर गया, मुंह में से फिन भी निकल गया। डॉक्टर सब यहाँ वैज्ञानिक बैठे थे, डॉक्टर लोग सब अचंभित हो गए। उसका पोस्टमार्टम किया गया तो जो लीवर या जो होजरी में कहा जाए तो उसको जो सांप डसता है और जो पॉइजन पाया जाता है वही पॉइजन उसके होजरी में पाया गया। इस स्टमक में आया कहाँ से ये जहर? तो उसको जो बताया गया था कि तुझे ये सांप कटवाएंगे और आपको हो सकता है मर भी जाएगा, एक प्रयोग मैंने यही सुना था। उसको क्या बताया था, कोबरा को लाया, एक घोड़े को बांधा, घोड़े को उसने डसवाया, घोड़ा तड़फड़ करके वो मर गया। फिर बोला यही प्रयोग आपको पर किया जाएगा, फिर उसके पर काली पट्टी बांध दी और उसको पर पीन डसवाई। वो प्रयोग में ऐसा था चूहे को डसवाया, बात तो एक ही, लेकिन वो मर गया तो वही था, उसके पेट में से वही जहर पाया गया। आया कहाँ से, तो वही मन ने डेवलप किया। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार सबको भी बताते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं, तो जो सोचेंगे वैसे बने। इसलिए हम बोलते हैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करो, नेगेटिव कभी मत करो। ये भी मेरा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो क्या सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव के बारे में बात ही नहीं करनी है। आपके सेंटेंस में नो, नथिंग, ना, नहीं, ये शब्द आने नहीं चाहिए, क्योंकि सब मन के साथ जुड़े हुए और मन जो संकल्प करता है वही होकर रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार सबको कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसे आप बन जाएंगे। आप बहुत बहुत हार्ट के बारे में सोचते हैं कि मेरा हार्ट ठीक से काम नहीं करता है, मुझे बीपी रहेगा, या मेरे मम्मा या पापा को बीपी हुआ है तो मुझे भी हो जाएगा, अवश्य आपको हो जाएगा। ठीक उसी तरह डायबिटीज भी, आप जैसा सोचे वैसे बनते हैं। तो आपको क्या सोचना है, आज से ही आप डिसाइड कर लो कि मैं पॉजिटिव सोचूंगा। उसका उपाय एक ही है, पॉजिटिव सोचूंगा और उसके साथ साथ जो मैं संकल्प रखूंगा वैसे हो जाएगा। दूसरे के एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक कैसेट है, टेप रिकॉर्ड है, या पेन ड्राइव है, समझो पेन ड्राइव आजकल तो नया फैशन आ गया पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव का मैंने अभी लगान पिक्चर के सॉन्ग है अगर मैं बजाऊंगा, वो पेन ड्राइव डालूंगा, मैं लगान फिल्म सिलेक्ट करके सॉन्ग बजाऊंगा, तो कौन सी फिल्म के सॉन्ग बजेंगे, लगान फिल्म के। ठीक है, हमने कभी नई पिक्चर आयु भाई उमा गली बॉय ओके, गली बॉय ओके। आपका मान लीजिए गली बॉय फिल्म के सॉन्ग सुनने तो उसमें सुनाई देंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो गली बॉय के सॉन्ग मुझे उसमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, यानी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। फिर जब मैं बजाऊंगा तो क्या बजेगा, गली बॉय। जो मैंने उसमें रिकॉर्ड किया है वही बजने वाला है,
जैसे आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में ए दबाता तो ए ही टाइप होता है कि नहीं, कि बी होता है? क्यों? ऐसा प्रोग्रामिंग किया हुआ है, जब मैं ए टू ए टाइप करता हूँ तो ए छपने वाला है। तो मैं जो प्रोग्रामिंग करूँगा, मैं जो सोचूंगा, मैं जो संकल्प लेता हूँ वही होता है, वो डायरेक्ट इफेक्ट होती है शरीर पर। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार सबको, हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो पॉजिटिव होकर ही रहेगा, सवाल ही नहीं है। अगर मैंने नेगेटिव सोचा है तो नेगेटिव होकर ही रहेगा। तो शॉर्ट में पॉजिटिव सोचो और अच्छा गुड संकल्प रखो। रात को सोने के जाते भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि मैं सोने जा रहा हूँ, आज पूरा दिन मेरा अच्छा पसार हुआ, भगवान तेरा थैंक्स, या जो भगवान जो देवी देवता को मानते हो, जो धर्म जो संप्रदाय को मानते हैं। फिर और एक प्रार्थना कर लिए, सुबह में मुझे आप उठाना, मेरे से अच्छे कर्म हो, और वैसा ही होगा। अस्तु, हरिओम तत्सत। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, और आप सबको विनंती, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।